एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपने चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिटर टेट से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक, ज्वाइंट या फास्टनर। ठीक है, ज्वाइंट या फास्टनर किसे कहते हैं, जोड़ या बंधन। तो देखिए यहाँ पे जोड़ या बंधन किसे कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग उद्योग में मशीन के विभिन्न पार्ट्स या औजार क्या होते हैं के पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उन साधन को ही हम लोग बंधक, ये जोड़ या बंधन कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए मशीन को ही देखते हैं तो मशीन में बारा बहुत सारा पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स को क्या होता है आपस में असेंबल करने के लिए क्या होता है उसमें हम लोग उसको बांधने के लिए से हम लोग नट बोल्ट का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या होगा, जिस साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं उन साधन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस साधन को हम लोग बोलेंगे जोड़ या बंधन या फास्टनर। तो ये साधन हो सकते हैं, ये साधन नट बोल्ट हो सकते हैं आपका, नट बोल्ट तो आप लोग जान ही रहे, नट बोल्ट जैसे मान के चले एक साइकिल ही देखे या बाइक ही देखे या गाड़ी ही देखे तो उसमें भी नट बोल्ट लगता है, स्क्रू लगता है, तो उनके पार्ट्स को क्या करता है आपस में बांध के रखता है। फिर हम लोग बात करें की क्या है, की भी ठीक है, की जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए हमारा जैसे कि पुल्ली है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम मशीन की बात करें, अगर मान लीजिए हमारा मशीन पर पुल्ली लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लोग थ्रेसर में देखते हैं या अभी मान लीजिए हम लोग धान चावल गेहूं का जो हमारा मिल होता है तो उसमें सारा क्या होता है पुल्ली लगा होता है, पुल्ली पर जिसमें हमारा बेल्ट लगा होता है इसे मूव करता है मशीन के स्पिंडल से। तो पुल्ली क्या होता है कि जब पुल्ली को हम लोग स्पिंडल पर फिट करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है कि हम लोग उसमें स्पिंडल और पुल्ली के बीच में क्या करते हैं हम लोग की को लगाते हैं ताकि उसका जो इसका जो मतलब ये कर सके होल्ड जो हो सके होल्डिंग जो कर सके पकड़ सके ज़्यादा मजबूत, तो हम लोग वहाँ पर की का यूज करते हैं। उसके बाद स्क्रू आप लोग पढ़ ही रहे, स्क्रू जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारा मशीन पार्ट्स में स्क्रू का लगाते हैं या मान लीजिए हमारा छोटा मोटा स्क्रू हमारा कोई छोटा मोटा पार्ट्स में भी लगा रहता है, जैसे बात करें हम मोबाइल में बात करें तो मोबाइल में भी छोटा छोटा स्क्रू लगा रहता है या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखिए तो हमारा वहाँ भी स्क्रू लगा रहता है या हम बाइक में देखिए साइकिल में देखिए हर जगह देखिएगा स्क्रू नज़र आता है। उसके बाद देखिए पिन क्या होता है, पिन भी क्या होता है कि उसी तरह की के की जहाँ से की लगाते हैं उसी तरह हम लोग कहीं कहीं पिन भी लगाते हैं, अगर पिन से हमारा टाइट नहीं हो तो हम लोग की लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पिन भी होता है। उसके बाद फिर क्वार्टर भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टड भी यूज़ करते हैं, स्टड तो आप लोग जाने रहेंगे कि जिसमें क्या होता है मतलब बीच जैसे नट बोल्ट की तरह सामान होता है लेकिन उसमें क्या होता है हेड नहीं होता, नट बोल्ट में नट आपका क्या होता है बोल्ट में अगर बात करें बोल्ट में आपका एक तरफ हेड होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों साइड ठेठ कटा हुआ रहता है और बीच में क्या होता है मतलब इस तरह का रहता है कि आपका दोनों साइड क्या रहेगा ठेठ कटा हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर एक ही साइड ठेठ कटा हुआ हो सकता है और बीच में क्या रहेगा बीच में ठेठ कटा हुआ नहीं रहेगा, मतलब हम दोनों तरीके से हमें फिट कर सकते हैं, इधर भी हम नट लगा सकते हैं इधर भी नट लगा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टड। उसके बाद देखिए क्या है सोल्डिंग आप लोग जान ही रहे हैं, सोल्डिंग जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मान लीजिए हमारा जैसे हम पंखा बल्ब पंखा जैसे हम लोग यूज़ करते हैं या मान लीजिए हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, सोल्डिंग हम लोग वहाँ पे करते हैं ना तार को जोड़ने के लिए पकड़ने के लिए सोल्डिंग यूज करते हैं, या फिर हम लोग रिवेट यूज करते हैं, जैसे रिवेट आपने देखा होगा साइकिल में भी रिवेट यूज होता है या फिर मान लीजिए हम लोग घर में जो बाल्टी यूज करते हैं लोहा का या एल्युमिनियम का देखिएगा उसमें भी रिवेटिंग किया होता है, मान लीजिए या फिर हम लोग बर्तन भी यूज करते हैं अपना तावा या कुकर वगैरह तो उसमें भी हमारा क्या होता है रिवेट लगा हुआ होता है। वेल्डिंग हम लोग करते हैं, वेल्डिंग जो हम लोग खिड़की दरों का या अपने घर का जो हम लोग दरवाज़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है हमारे जैसे फिटर का वर्कशॉप ये सब क्या होता है वेल्डिंग पे जैसे रहता है वेल्डिंग पे क्या तो वहाँ पे इसको बांध के रखता है। ब्रेजिंग भी करते हैं हम लोग, सोल्डिंग की तरह ब्रेजिंग भी होता है लेकिन सोल्डिंग से ज़्यादा मजबूत ब्रेजिंग होता है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं इन साधनों का प्रयोग करते हैं किसी भी पार्ट्स को आपस में मशीन के पार्ट्स को या औजारों के पार्ट्स को आपस में जोड़ने या बांधने के लिए, तो इसी को हम लोग बंधक बोलेंगे, ठीक है, फास्टनर बोलेंगे, यही साधन है, इस साधन के माध्यम से लोग क्या करते हैं किसी भी पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, मशीन भी हमारा क्या विभिन्न सारा पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना है, इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का ये साधन है और इन साधन से हम लोग क्या करते हैं जोड़ के उस मशीन के पार्ट्स को मशीन जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा एक असेंबल हो जाता है तब हमारा मशीन बन जाता है। ठीक है, तो हर जगह आपको साइकिल देखिए बाइक देखिए गाड़ी देखिए घर में देखिए आपका दरवाज़ा देखिए खिड़की देखिए हर जगह कहीं ना कहीं ये साधन उपलब्ध है जो हम लोग इसको क्या करते हैं आपस में उसको बांध के रखते हैं। अगर हम दरवाज़ा की बात करें तो हमारा वेल्डिंग है, खिड़की का बात करें लोहा का तो हमारा वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग भी क्या है वेल्डिंग हमारा एक फास्टनर है, फास्टनर की तरह काम करता है, उसको बांधने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फास्टनर था। अब देखिए फास्टनर भी हमारा ये फास्टनर भी देखिए इसको अब देखिए फास्टनिंग क्या है, ये तुम्हारा फास्टनर समझ लिए, फास्टनिंग क्या है देखिए फास्टनिंग क्या है फास्टनिंग क्या है फास्टनिंग कि किन्हीं दो पार्ट्स को ठीक है किन्हीं दो पार्ट्स को भी आप जोड़ सकते हैं या दो पार्ट से अधिक भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम हम दो पार्ट्स को ही आपस में जोड़ेंगे, दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं, तो किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं फास्टनिंग कहा जाता है।
ठीक है, फासेनिंग कहा जाता है। किन्हीं दो पार्ट्स को या दो किन्हीं दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने की विधि को हम क्या बोलते हैं, फासेनिंग कहा जाता है। यह मुख्यतः क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की क्या होती है, फासेनिंग होती है, अस्थाई फासेनिंग होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर हमारा दूसरा होता है सेमी परमानेंट फासेनिंग होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा परमानेंट फासनिंग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन क्या हुआ, टेम्प्रोरी हुआ या सेमी परमानेंट हुआ या परमानेंट फासनिंग क्या हुआ। तो यहाँ पे जो आपने ये एग्जांपल पे देखा, ठीक है, यहाँ पे जो आपने ये साधन का ही देखा, नट बोल्ट हो, की हो, स्क्रू हो, पिन हो, कॉटर, स्टड, सोल्डिंग, रिबेट, वेल्डिंग, ब्रेजिंग आदि, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, आदि भी हो सकता है। तो ये जो हमारा साधन था, इसी साधन के हिसाब से क्या करते हैं कि कोई अगर हमारा मान लीजिए नट बोल्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा टेम्प्रोरी फासनिंग हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम वहाँ पे रिवेट यूज कर रहे हैं या फिर हम वहाँ पे सोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा सेमी परमानेंट फासनिंग में आ जाएगा, या फिर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो अस्थाई फासनिंग, मतलब इसी साधन से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पार्ट्स को टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए हम उसको बांध दिए, फिर उसको जरूरत पड़ा उसको हम आराम से खोल लिए। ठीक है, जैसे हम लोग नट बोल्ट जैसे मान लीजिए हम लोग पार्ट्स को लगाते हैं, नट बोल्ट खोले हमारा पार्ट्स खुल गया, तो ये जो हम उसको फासनिंग के, ये हमारा टेम्प्रोरी नट बोल्ट से अगर हम किसी पार्ट्स को जोड़ रहे हैं या फिर हम की से या स्क्रू से, तो इसके मतलब इसके हिसाब से क्या होता है कि फासनिंग तीन प्रकार की होती है। ये डिपेंड करता है कि वो फासनिंग कैसा है, अगर मान लीजिए हम वेल्डिंग कर दें किसी पार्ट्स में तो वो क्या हो गया, अस्थाई फासनिंग हो गया, मतलब अस्थाई रूप से उसको हम बांध दिए तो अस्थाई फासनिंग हो गया। टेम्प्रोरी क्या हुआ, जैसे नट बोल्ट जिसको हम जब चाहें लगाए खोले, टेम्प्रोरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सेमी मतलब क्या हो गया, सेमी परमानेंट क्या हो गया, सेमी मतलब अर्धस्थाई क्या हो गया कि मतलब उसको हम लगाए वो अस्थाई के रूप तरह काम करेगा, अस्थाई के रूप में होगा लेकिन उसको क्या करेंगे हम अपने जब हमको जरूरत पड़ेगा उसको हम खोल सकते हैं। तो इसी के हिसाब से क्या होता है कि हमारा ये फासनिंग होता है। चलिए हम लोग एक करके डिटेल देख लें कि क्या होता है। तो हमारा मेन रूप से ये हमारे जो फासनिंग यूज किए, इसी फासनिंग में से हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि किसको किस फासनिंग में रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम तीन फासनिंग अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन है हमारा, पहला देख लें, हमारा यहाँ पे है आपका, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला हमारा यहाँ पे फासनिंग है अस्थाई, ओ अस्थाई। ठीक है, ओ अस्थाई फासनिंग क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेम्प्रोरी फासनिंग क्या है, टेम्प्रोरिंग फास्टनिंग क्या है। तो अगर बात करें हम लोग टेम्प्रोरिंग फास्टनिंग का, तो किन्हीं दो पार्ट या दो पार्ट से अधिक, ठीक है, मिनिमम दो पार्ट होता है, दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम तो दो पार्ट होगा तभी तो आपस में जोड़ेंगे हम, किन्हीं दो पार्ट या दो पार्ट से अधिक पार्ट्स को जब आपस में अस्थाई रूप से जोड़ना हो, अस्थाई रूप से मतलब अस्थाई नहीं, अस्थाई रूप से जोड़ना, जिसे आवश्यकता होने पर पार्ट्स को आसानी से अलग किया जा सके, उदाहरण मतलब जिसको हम आसानी से अलग किया जा सके उसको हम लोग बोलेंगे अस्थाई फासनिंग। उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण जैसे कि नट बोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, आराम से किसी पार्ट्स को खोल लेते हैं, लगा लेते हैं, स्टड भी वही हो गया, नट स्क्रू भी हो गया, जैसे मान लीजिए हम अपना बोर्ड ही देखते हैं या फिर हमारा कोई पार्ट्स स्क्रू जिसमें लगा उसको हम लोग स्क्रू खोलेंगे हमारा पार्ट्स खुल जाएगा। कॉटर, पिन, ईटी से क्या होता है कि इस फास्टनिंग में ये सब हमारा, ये सब जहाँ अगर हम यूज करेंगे साधन का, नट बोल्ट, स्टड, स्क्रू, कॉटर, पिन, ईटीसी, अगर ये सब हम यूज करेंगे तो ये हमारा जो फास्टनिंग होगा ये हमारा अस्थाई फास्टनिंग के अंतर्गत आएगा, टेम्प्रोरी फास्टनिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर आप नट बोल्ट, स्टड ये सब यूज करें तो वो हमारा जो कैसा फास्टनिंग होगा, तो टेम्प्रोरी फास्टनिंग होगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, फिर नट बोल्ट भी पढ़ेंगे, स्टड भी पढ़ेंगे, स्क्रू पढ़ेंगे, कॉटर, पिन इत्यादि हम लोग फिर आगे आगे जाके चैप्टर में अगले वीडियोज में जाके हम देखेंगे सब पे डिटेल। ठीक है, पहले भी समझना जरूरी है इस फास्टनिंग में क्या होता है कि इस फास्टनिंग मतलब टेम्प्रोरी फास्टनिंग में क्या होता है, पार्ट्स एवं फास्टनर, पार्ट्स एवं फास्टनर, देखिए इस फास्टनिंग में क्या होगा, इस बंधन में क्या होगा, जो जिस पार्ट्स को आपने जोड़ा और जिस फास्टनर से जोड़ा, मान लीजिए आपने नट बोल्ट से जोड़ा या स्टड से जोड़ा या स्क्रू से जोड़ा, तो क्या होता है को अलग कर अलग या खोलने पर दोनों ही खराब नहीं हो, मतलब अगर इस फास्टनिंग का यूज कर रहे हैं आप, अगर इस फास्टनिंग के अंदर टेम्पोरी अगर आपका फास्टनिंग है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपका कोई मशीन का पार्ट्स नट बोल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मशीन का जिस पार्ट्स को आप जोड़े और जिस साधन का यूज किए, जिस फास्टनिंग का यूज किए, अगर आप उसको अगर आप खोलते हैं तो वो क्या होगा, दोनों खराब, ना तो आपका पार्ट्स खराब होगा और ना ही आपका आपका जो टेम्प्रोरी फासनिंग है वो नहीं खराब होगा। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है कि पार्ट्स एवं फासनर क्या होता है, अलग खोलने पर दोनों ही खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा टेम्प्रोरी फासनिंग की विशेषताएँ होती है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब ये अलग बात है कि अगर मान लीजिए हम नट बोल्ट को खोले, नट बोल्ट हमारा पुराना हो गया या उसका ठेठ खत्म हो गया तो वो खराब हो सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसमें क्या होता है कि पार्ट्स एवं फास्टनिंग क्या अगर खोलने पर दोनों ही खराब नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इसके बाद आगे देखें हम, तो अगर हम आगे देखें तो हमारा दूसरा आगे इस प्राप्त हो रहा है
कि इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमानेंट फास्टनिंग। सेमी परमानेंट फास्टनिंग का मतलब क्या हो गया, अर्ध अस्थाई। अर्ध अस्थाई मतलब आधा अस्थाई, पूरी तरह से अस्थाई नहीं, अर्ध अस्थाई फास्टनिंग बंधक। यानी किन्हीं दो या दो से अधिक पार्ट्स को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पार्ट्स क्या हो, अस्थाई रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, पार्ट्स मतलब क्या होता है, अस्थाई रूप से ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे अस्थाई रूप से ही जुड़ जाते हैं, परंतु देखिए लग गया, परंतु किंतु लग गया, इसका मतलब कुछ इसमें गड़बड़ है। परंतु इन्हें अलग किया जाए, परंतु अलग किया जाए, ठीक है, परंतु इन्हें क्या होगा, अलग किया जा सकता है, परंतु इन्हें अलग किया जा सकता है। मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक पार्ट्स को अगर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो पार्ट्स अस्थायी रूप से जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, और अलग करने पर क्या होता है, पार्ट्स भी सुरक्षित रहते हैं। पार्ट्स अलग करने पर क्या होता है, पार्ट्स हमारा सुरक्षित रहेगा, पार्ट्स में हमारा कोई प्रकार की विकृति नहीं आएगी। परंतु क्या होगा कि फास्टनर क्या होगा, जो हमने फास्टनर यूज किया था, जो हमारा बंधक यूज किया था, वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, फास्टनर क्या हो सकता है, आपका खराब हो सकता है सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा आता है रिबेट। अगर आप हमारा रिबेटिंग किया हुआ रहेगा किसी में, तो वो हमारा सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आएगा। अगर आपने सोल्डरिंग किया है, मान लीजिए आपने किसी वायर को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा है सर्किट में, तो वो भी हमारा क्या होगा, सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। तो हमारा रिबेट, जैसे बात करें रिबेट, तो रिबेट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा ये रिबेट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा इस रूप में रहता है, यहाँ भी इस रूप में रहता है। तो अगर हम दोनों के हेड को, अगर मान लीजिए हम एक हेड को जैसे काट दिए, इसको मान लीजिए हमारा ये हेड कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अब आराम से निकल जाएगा अगर एक हेड काट लेंगे तो। लेकिन क्या होगा कि हमारा ये जो फास्टनर जो आपने यूज किया था, ये फास्टनर खराब होगा, पार्ट्स खराब नहीं होगा। हमने पीछे देखा टेम्पररी फास्टनर में दोनों खराब नहीं हो रहा था, ना तो पार्ट्स खराब हो रहा था, ना हमारा फास्टनर खराब हो रहा था। लेकिन अगर हम सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत जो हम लोग रिवेट यूज करते हैं या फिर सोल्डिंग यूज करते हैं, तो इसके अंतर्गत में क्या होगा कि आपका पार्ट्स तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपने जो फास्टनर यूज किया था रिवेट या सोल्डिंग, वो आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है जो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, परमानेंट फास्टनिंग है जो हमारा लास्ट फास्टनिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए परमानेंट का मतलब क्या होता है, अस्थाई। परमानेंट का मतलब अस्थाई। अस्थाई फास्टनिंग क्या है कि पार्ट्स अस्थाई, यहाँ लिखा है पार्ट्स अस्थाई, मतलब दो या दो से अधिक तो हम पार्ट्स को लेंगे ही। तो पार्ट्स क्या होता है, अस्थाई रूप से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अस्थाई रूप से जुड़ जाते हैं, और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको अलग करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मान लीजिए अपना खिड़की बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, वेल्डिंग करवा के, तो क्या उसको अलग करना अलग कर सकते हैं, मतलब अलग तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप फिर भी उसको अलग कर सकते हैं, अगर आपको अलग करना पड़े, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो पार्ट्स और आपका फास्टनर क्या होगा, दोनों ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट्स और फास्टनर दोनों ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आप वेल्डिंग या ब्रिजिंग को अगर आप देखें, तो इसका आपका ये इसमें क्या होता है कि परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत में क्या आता है, आपका वेल्डिंग आता है, और आपका क्या आता है, ब्रिजिंग आता है। तो ये हमारा जो था, अगर परमानेंट अगर आप कोई फास्टनर का यूज किए हैं, जैसे वेल्डिंग किए हैं, तो अगर आप इसको खोलना चाहें तो खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खोलिएगा तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि आपका पार्ट्स और फास्टनर दोनों ही ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा फास्टनर था, हमारा फास्टनर क्या है, इस पे बात हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो वेल्डिंग यूज किए या ब्रेजिंग यूज किए, या मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रिवेट यूज किए या सोल्डिंग यूज किए, या हम लोग मान लीजिए अर्धस्थायी फास्टनिंग यूज किए, ठीक है, या हमारा, और या हम लोग मान लीजिए हम लोग टेम्प्रोरी फास्टनिंग में जो हमारा नट बोल्ट किए, तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में प्रत्येक करके हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि नट बोल्ट, उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, नट बोल्ट का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, उसका क्या थ्रेड है, स्टड पढ़ेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक को आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ये हमारा इस पे, ठीक है, हम एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे सेमी परमानेंट फास्टनिंग हम लोग पढ़े, रिबेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिबेट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक जितना भी हमारा यहाँ टॉपिक कवर किया गया था, हमारा यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि हमारा यहाँ जितना भी नट बोल्ट फलना, ये जो हमारा जितना भी यूज किया यहाँ पे हमारा, ये हम सब पर एक एक करके अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, हमारा वो रिबेट पर आएगा, सेमी परमानेंट फास्टनिंग पर आएगा। चलिए, तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।